नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं राहुल राजपूत। बड़ी बहस में आज बात करेंगे सरकारी राशन की दुकानों पर होने वाली राशन की धांधली और कालाबाजारी की। प्रदेश में आए दिन कहीं ना कहीं सरकारी राशन डीलर जनता का हक मारकर राशन और केरोसिन ऑयल बाजार में बेच देते हैं। शिकायत मिलने पर रसद विभाग और एसीबी की टीम कार्रवाई भी करती है, लेकिन कुछ दिन बाद राशन डीलर फिर वही कालाबाजारी करने में लग जाते हैं। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि आखिर कब तक गरीबों के हक पर टाका डाला जाता रहेगा, कब तक प्रशासन कार्रवाई की घुट्टी पिलाता रहेगा। क्या जनता को अपना हक लेने के लिए और जागरूक होने की जरूरत है, और क्या धांधली करने वाले डीलरों के खिलाफ और सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है ताकि डीलर फिर अपनी मनमानी ना कर सके। ऐसे ही कई सवाल है जिन पर आज हम बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। इस बहस में जयपुर से हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। और बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर कोटा के शिवपुरा क्षेत्र में श्याम नगर बस्ती की है, जहां राशन की दुकान संचालित करने वाले गुरमुख दास ने साल भर में 251 क्विंटल गेहूं बाजार में बेच दिया, साथ ही 171 लीटर केरोसिन तेल भी गायब कर दिया। धांधली का खुलासा हुआ तो गुरुदास ने जांच टीम को बताया कि राशन चूहे खा गए और तेल भी पी गए। वहीं दूसरी तस्वीर श्रीगंगानगर की है, जहां धांधली की सूचना मिलने पर एसीबी टीम ने श्रीगंगानगर जिला रसद विभाग में छापा मारकर रिकॉर्ड खंगाला और राशन वितरण का रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया है। किस तरीके से कालाबाजारी होती है राशन डीलरों की ओर से। हालांकि ये दो तस्वीर है, ऐसी तस्वीर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी आती रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ऐसे डीलरों पर छोटी मोटी कार्रवाई होती है और फिर ये गोरख धंधे में शामिल हो जाते हैं। और बड़ी बहस में अहम सवाल, गरीबों के हक पर डाका कब तक कार्रवाई की घुट्टी पिलाता रहेगा प्रशासन। क्या अपने अधिकारों के खिलाफ जनता को और जागरूक होने की जरूरत है, तो कब तक कार्रवाई की घुट्टी पिलाता रहेगा प्रशासन। क्या अपने अधिकारों के खिलाफ जनता को और जागरूक कर होने की जरूरत है। कालाबाजारी के खिलाफ कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला जाता। क्या धांधली करने वाले डीलरों के खिलाफ और सख्त कानून की जरूरत है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं बड़ी बहस में। सबसे पहले परिचय करा देते हैं, पूनम चंद भंडारी जी जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विष्णु कुलवाल जी बीएसपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरसी चौधरी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। आरसी चौधरी जी, यूपीए सरकार के दौरान खाद्य सुरक्षा नियम बनाया गया, लोग भूख से न मरे इसको लेकर ये नियम बना, अधिनियम है ये। सवाल इस बात का है कि जमीनी स्तर पर देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये आज की दिक्कत नहीं है। राशन डीलर जिन्हें एक तरीके से कहे कोटा मिलता है वो भ्रष्टाचार करते हैं, और हक किसका मारा जाता है, गरीबों का मारा जाता है, सब जानते हैं। इस पर कोई कार्रवाई, बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई जिससे संदेश जाए, कोई भी सरकार रही गरीबों के साथ ये भद्दा मजाक होता था, होता है, और जो स्थिति बनी है उससे ये कह सकते हैं कि होता रहेगा। क्या कुछ रिएक्शन होगा आपका राहुल जी? सबसे पहले तो मैं, आज जो मुद्दा है ये मुद्दा बहुत से आप जैसे जो न्यूज चैनल से उन्होंने उठाया जी, आज जो ये मुद्दा है वो किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं, ये मुद्दा उन लोगों का है जी जिनके घर का जो चूल्हा है वो इस राशन से उनके पेट का पोषण होता है जी। निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहूंगा कि आज से पहले कभी भ्रष्टाचार था नहीं या आज से पहले ऐसे था नहीं, लेकिन सरकार की जो मंशा होती है वो इस बात पे निर्भर करती है कि अगर कोई इस तरह का भ्रष्टाचार का मामला, और ये भ्रष्टाचार उन लोगों के निवाले की बात है जी जो दो वक्त की रोटी अपने इस पीडीएस सिस्टम से खाद्य सुरक्षा
से वो अपने पेट का पालन पोषण करते हैं। वो सरकार के संज्ञान में आने के बावजूद सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो निश्चित रूप से लगता है कि सरकार की जो मंशा है वो गरीबों के साथ में ना होके उन भ्रष्टाचारियों के साथ में है, उस पूरे नेक्सस के साथ में है जो उन गरीबों का जो निवाला है वो डकार रहे। इसलिए 3 साल पहले अप्रैल 2014 से जून 15 के बीच में FIR हुई, जांचें बदली, जांचें बदलने के बाद में आज तक कहीं पे भी वो कार्रवाई नहीं होना, ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि सरकार की जो प्राथमिकता में है वो गरीब का निवाला नहीं है, ये भ्रष्टाचार का नेक्सस है। कांग्रेस की सरकार रही इससे पहले राजस्थान में, हम राजस्थान की केवल बात कर ले, तो क्या यह हम मान ले कि उस वक्त बढ़िया काम हो रहा था, गरीबों को उनका हक मिल रहा था, यानी कि राशन मिल रहा था? राहुल जी, जिस प्रकार आपने कहा कि जो पीडीएस सिस्टम जो लेके आए, खाद्य सुरक्षा जो बिल लेके आए, वो यूपी की सरकार ने लेके आई। यूपी की सरकार की मंशा थी कि इस देश के हर नागरिक को उसका भरपेट भोजन मिले, उसे निवाला मिले, और ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि यहाँ से जो 1 रुपया चलता है वो नीचे जाके वो भ्रष्टाचार के आ करके उस अंतिम व्यक्ति को नहीं मिल पाता। नहीं, ये कौन देखेगा? सवाल यही है ना, ये देखेगा कौन? नहीं, ये देखेगा कौन? हर हर मैं मानता हूँ आरसी चौधरी साहब, हर जन कल्याणकारी योजनाएं जो है वो केंद्र की इस सोच के साथ होती है कि ये अगर कल्याणकारी योजनाएं चलेंगी तो देश बेहतर होगा, लेकिन वो जन कल्याणकारी योजना जमीन तक पहुंचते पहुंचते ऐसे दम तोड़ देती है जैसे कि केंद्र से चली नहीं और बीच में ही कुछ लोगों के पास आकर थम गई है। इसे समझना चाहते हैं, इसी सिस्टम को समझना चाहते हैं, हालांकि हम इसे किसी सरकार से जोड़ना नहीं चाहते, लेकिन घूम फिर कर सवाल सरकार पर चला ही जाता है। उस पीडीएस सिस्टम को हम कहां बेहतर कर पाए हैं? राहुल जी, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सरकार की मंशा गवर्नेंस की है या गवर्नमेंट की है, मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट हो, तो निश्चित रूप से वहाँ पे इस तरह की जो कोई होती है तो उन लोगों पे निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जी, सरकार की अगर गवर्नेंस में नहीं, नहीं एक ऐसी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, लोगों का संदेश दे, ऐसे लोगों में ये संदेश जाए कि अगर हम भ्रष्टाचार करते हैं तो ऐसी कार्रवाई होगी कि 7 पुश्ते उसकी याद रखेगी। ऐसी कोई कार्रवाई हो जो गरीबों के हक का जो निवाला है उसे खुद डकार जाए और ये कह जाए कि चूहे पी गए, और यहां तक कि केरोसिन तेल भी पिला देते हैं। बताइए कौन सा चूहा केरोसिन तेल पीता है, ये तो पता ही नहीं। पूनम चंद भंडारी जी, पूनम चंद भंडारी जी आ रहे हैं। पूनम चंद भंडारी जी, स्थिति बेहतर नहीं है राहुल जी? ये तो जानते हैं, नेक्सस है, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति कर रहा है। सरकार को सारा पता होता है और सारा पैसा सरकार तक पहुंचता है, नेता तक पैसा पहुंचता है, और नेताओं की निगाहें गिरते की तरह जानते हैं कहाँ से पैसा मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा, अदरवाइज कोई हिम्मत नहीं। पूनम चंद भंडारी जी, ऐसा भी तो नहीं होता केरोसिन की 3 साल पहले ये नहीं हो रहा था, जब से ये सिस्टम शुरू हो रहा है तब से हो रहा है। पहले भी वो नीला केरोसिन था, उसको वाई कर बेचते, सरकार जो राशन वाला होता था उसको बेचते, मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन सवाल ये है, उसमें डीएसओ थे यादव जी, जगुरु सिंह यादव, लेकिन हमने बहुत कोशिश की और सरकार ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दी नहीं, वो बच जाते हैं। सवाल ये है, आपने क्रूड ऑयल का बाड़मेर का खोला था घोटाला, क्या हुआ आखिर उसके अंदर? कुछ भी नहीं हुआ। सवाल ये, जब तक सरकार की इच्छा शक्ति ना हो इन करप्शन को रोकने की, तो ये सरकार से ज्यादा ये जिम्मेदारी अधिकारियों की बनती है। सरकार किसी की हो, हर 5 साल बाद सरकार चेंज होती है, तो हम ये नहीं कह सकते सरकार पर ही सारा दोष डाल देना, ये बेहतर भी नहीं है। राहुल जी, अधिकारी जब तक सरकार सख्त रहेगी, अधिकारी कोई कुछ नहीं कर सकता। पूनम चंद भंडारी जी, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है ना, है ना? ऐसे कोटोदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई, मनमानी उनकी भी चल रही है दिल्ली में, कई केसेस सामने आए। नहीं, पर दिल्ली में पुलिस हमारे पास नहीं, हम क्या कर सकते हैं बताइए, हम कुछ ही करते हैं। वही है ना, अपना रोना है सबका, सबका अपना रोना है। विष्णु कुलवाल जी, हमको आपकी पार्टी गरीबों की बात करती है, दलितों की बात करती है, उन्हीं का निवाला खुद डकार जाते हैं और कहते हैं कि ये तो चूहे उठा कर ले गए, खा गए,
केरोसिन ऑयल तक पिला देते हैं। देखिए राहुल जी, ये जब से भारत आजाद हुआ है जी, जब से लगातार इस राशन की विषय को लेकर हमेशा बात होती है और राशन एक गरीब को दिया जाता है, मगर वो गरीब के बीपीएल कार्ड, मैंने ऐसे ऐसे बीपीएल कार्ड देखे हैं जो एक एक आदमी के पास 500-600 कार्ड है जिसका बीपीएल से कोई संबंध भी नहीं है। उन कच्ची बस्ती के लोगों के कार्ड उन लोगों ने ऐसे ले रखे हैं कि उसकी सच्चाई से जांच की जाए तो जांच होती भी नहीं है। क्यों नहीं होती है कि आज केरोसिन से लेकर गेहूं से लेकर चीनी से लेकर, जब पहले चीनी ब्लैक में बिकती थी उस समय भी स्थिति ये थी। सवाल है कि ये सिस्टम हो गया है राहुल जी, इस सिस्टम को जब तक ये तोड़ा नहीं जाएगा, अब तोड़ने के लिए जब तक हम राजनीतिक लोग इसके लिए तैयार नहीं होंगे। हम आज जब भी वोट आते हैं तो गरीब की बात करते हैं, मगर हम काम किसी गरीब पर करने के लिए तैयार है कि नहीं है। सवाल इस बात का है कि जब जब भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है, आज ये चीज भी उजागर किसने की, मीडिया ने, मगर उससे पूर्व मंत्री जी मानने को तैयार नहीं थे। आज वो मंत्री जी जब मीडिया ने जब ये पूरा स्कैंडल खोल दिया उसके बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू की। आज मैं कह रहा हूं कि देखिए, राज किसी पार्टी का हो, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और गरीबों का नाम लेके ये पैसा अमीरों तक जाता है। तो जब तक इसकी सच्चाई से जांच नहीं होगी, और आपने बहुत सही कहा कि अगर इस पे सख्त कदम, अगर आज इसकी सजा 20 साल की हो जाए तो कल से कालाबाजारी बंद हो जाए, ना तेल की हो ना गेहूं की हो और ना राशन पे मिलने वाली किसी चीज पे नहीं हो, मगर कानून सख्त है ही नहीं। वकील साहब बोल रहे भी कि आज उस व्यक्ति को आप पकड़ के लाइए और कल सुबह उसकी बेल हो जाएगी, तो कानून सख्त है का। अब ये क्या कहेंगे, हमने उसका 60 दिन के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। लाइसेंस सस्पेंड करने से काम चलने वाला नहीं है, और आपने सही कहा, जब तक सख्त कदम और सख्त कानून नहीं बनेंगे, इस प्रकार के गरीबों का खाना हमेशा बड़े लोगों को मिलेगा और ये होता रहेगा और नहीं रुकेगा जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा। ठीक है, आप तीनों मेहमान बने रहिए, आते हैं आप लोगों के पास से। आप एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, बड़ी बहस सारी।